नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। मैं हूं प्रियंका संभव। सबसे पहले बहुत शुक्रिया हमारी इस एनालिसिस में जुड़ने के लिए और अपनी राय प्रतिक्रिया हम तक आप पहुंचाते रहते हैं। बहुत ही एक्टिव ऑडियंस है और इस एक्टिव ऑडियंस की चॉइस को आप जो एक्सरसाइज करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मनी सेंट्रल वो शो है जहाँ हम वो खबरें जो आप पढ़ते हैं उसके मायने को समझने की कोशिश करते हैं। वो खबरें जो जेब से लेकर देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालती हैं, उन खबरों को हम लेकर स्टूडियो में आते हैं और स्टूडियो में इन खबरों का विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ जुड़ते हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पवन कुमार जी। पवन सर नमस्ते, स्वागत है आपका एक बार फिर से। बहुत सारी खबरें हैं जिन पर आज हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। वेलकम टू मनी नाइन वंस अगेन। तो चलिए तो बता ही देते हैं कौन सी वो खबरें जहां हमारा फोकस रहने वाला है। सबसे पहले बात ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अब बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन को लेकर तैयारी जो है वो जोरों पर है। इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वहां की संसद के निचले सदन में बिल पास हो चुका है। इसके बाद जानेंगे कि नेगेटिव आउटलुक के बावजूद आज अदानी ग्रुप के शेयरों में हुआ क्या था। आज ये तेजी, ये रिकवरी कहाँ से इनको जो है ये एक पॉजिटिव संकेत जो इनके शेयरों में नजर आ रहा था, बल्कि खबरें उतने इनके फेवर में नहीं रही हैं। इसराइल और हिजबुल्ला के बीच हुए सीज फायर से जुड़ी खबर को भी हम लेकर आए हैं और सीज फायर का क्या असर होगा इसे समझने की कोशिश होगी। एफएमसीजी सेक्टर में रिलायंस की एंट्री से दूसरी कंपनियों के लिए टेंशन बढ़ रही है। इस बढ़ी हुई टेंशन के पीछे क्या वजह है। अगली खबर बैंकों के पास बढ़ रहे महंगे डिपॉजिट से जुड़ी हुई है। सितंबर तिमाही में बैंकों में जितना पैसा जमा हुआ है उसमें अधिकतर पर महंगा ब्याज देना पड़ेगा। इसके बाद भारत और यूरोपियन यूनियन के मुक्त व्यापार समझौते से जुड़ा एक अपडेट और उसे समझेंगे पवन जी से। लेकिन सबसे पहली खबर ऑस्ट्रेलिया वाली हम पिक कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के लिए सोशल मीडिया जल्द बैन होने वाला है। आई एम श्योर बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भारत में ये कब होगा, लेकिन पहले ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की संसद में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करने के बिल को पास कर दिया है। वहां की सरकार इस बिल का समर्थन कर रही है। बिल के पक्ष में 102 और विपक्ष में सिर्फ 13 वोट पड़े। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास होने के बाद अब बिल पर वहां की सीनेट में चर्चा होगी। मेटा और गूगल जैसी कंपनियां ऑस्ट्रेलिया में इस बिल को संसद में पेश करने में देरी चाहती थी, लेकिन इसके बावजूद वहां इसे पेश करके पास कर दिया है। कानून लागू होते ही वहां पर 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंधित हो जाएगा। पवन जी, ये खबर आप पहले भी काफ़ी तफसील से डिस्कस कर चुके हैं मनी सेंट्रल में। उस दिन मैं शायद उस शो की एंकर नहीं थी, लेकिन इस स्टेप पर आपका रिएक्शन और आपको लगता है कि भारत को भी ऑस्ट्रेलिया के कदम से कदम ताल मिला करके ये कदम उठा लेना चाहिए? प्रियंका नमस्कार। देखिए, सोशल मीडिया का नाम जैसे ही आता है तो मैं बड़ा खुल के बात करने लग जाता हूँ, इसलिए कि मैं प्राइमरीली इसका इतना विरोधी हूँ क्योंकि समाज में इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा देखा गया है, पॉजिटिव इम्पैक्ट कम देखा गया। पर्सनली मैं बहुत फूंक फूंक के चलता हूँ जहां तक सोशल मीडिया का सवाल है। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ प्रियंका, जब किसी दिन ये खबर आएगी कि दुनिया में जितने लोग हैं सब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लगे हैं, क्योंकि आज की तारीख में भी आप देखेंगे तो करीब मतलब 5 अरब लोग लगभग इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। वो खबर अच्छी लगेगी जब ये पता चलेगा कि अब कोई बचा ही नहीं है, हर कोई उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि ये कब होगा और हिंदुस्तान को सोशल मीडिया के क्षेत्र में कब ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव अप्रोच लेने की जरूरत पड़ेगी। अभी तो हमारा ध्यान उस तरफ है नहीं, क्योंकि हमारा डैमेज अभी उतना नहीं हुआ है। अगर डैमेज हुआ है तो उसको हमने अभी कम से कम मेजर नहीं किया है। पूरी दुनिया के देश, फ्रांस, डेनमार्क, जर्मनी, नॉर्वे, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया से लेके चाइना तक सब बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया का क्या नुकसान हो रहा है, और खासकर उनका बच्चों के ऊपर जो प्रभाव देखेंगे वो एक पिछले शो में बात कर रहे थे, मैं और मेरे साथ आप सहयोगी विपुल सिंह, जब ये बात कर रहे थे हम ये कह रहे थे कि सोशल मीडिया एक जनरेशन इस देश में था जिसको टेलीविजन ने बर्बाद किया कायदे से, उसी तरह से एक जनरेशन है जिसको सोशल मीडिया बर्बाद करेगी और आज न कल उसका इम्पैक्ट आपको देखा जाएगा। हम ये सिर्फ चाहते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया ने स्टेप्स लिए वो ऑस्ट्रेलिया ने इस पे डिस्कस किया। ऑस्ट्रेलिया इस बिल पे पिछले 1 साल से डिस्कस कर रहा है, बाकायदा स्टडी हुई वहां की, कई यूनिवर्सिटीज ने इस पे स्टडी की, ये देखा कि बच्चों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। बड़े लंबे समय से पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे, वहां की संसद में, संसद के बाहर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चर्चा हुई और फिर ये कहा कि इसका क्या निदान निकाला जा सकता है।
तो इसका निदान ये हुआ कि इस पे जब तक आप इस पे प्रिवेंटिव नहीं होंगे, रेस्ट्रिक्टिव नहीं होंगे, सोशल मीडिया का नुकसान बच्चों के ऊपर ज्यादा होगा। एक पूरी की पूरी पीढ़ी जो है वो अंधेरे में जा रही है, उसको कैसे बचाएंगे? कम से कम मुझे इस बात का सुकून है कि ऑस्ट्रेलिया ने आगे बढ़कर ये डिसीजन लिया है और इसकी देखा देखी, और बाकी दुनिया के देश भी उस पर राय बनाएंगे और उस पर स्टेप्स लेंगे। हम आपको आज लिख कर देते हैं, आप लिख कर रखेंगे, हम लोग डायरी में कल इस पर बात करेंगे, अभी नहीं तो 2 साल बाद। हिंदुस्तान को ये मेजरमेंट लेने करने की जरूरत है, हिंदुस्तान को ये स्टेप्स लेने की जरूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया से कहीं ज्यादा बर्बादी होगी वो हमारे देश में होगी। इसलिए हम इस बात से बिल्कुल मुतमईन है कि हिंदुस्तान को भी इसकी नकल करनी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया ने जो किया उसको करना पड़ेगा। जब अभी से 6 महीने बाद आप देखेंगे तो फ्रांस इस पर पॉजिटिव स्टेप ले रहा होगा, डेनमार्क ले रहा होगा, नॉर्वे ले रहा होगा, हिंदुस्तान अभी नहीं तो कम से कम 2 साल बाद जागेगा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि हिंदुस्तान के लिए ज्यादा इमरजेंसी की जरूरत है और हिंदुस्तान में ये जरूर होके रहेगा। बिल्कुल, लेकिन वक्त लगेगा, अभी तो सो रहे हैं लेकिन वक्त लगेगा। अब बच्चों के लिए तो बैन किया ही जा रहा है, पर मैं पवन जी बहुत सीरियसली सोचती हूँ कि 16 साल से कम के बच्चों के लिए तो सोशल मीडिया को बैन किया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया ये कदम उठा रहा है, भारत में अभी वक्त लगेगा जैसा मैं अभी आप कह रहे थे। मुझे लगता है सीनियर सिटीजन्स को भी, उनकी भी जो पहुँच है ना सोशल मीडिया में, वो कुछ ऐसी सी खबरें कभी पिक करते हैं, और मैं अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनसे जब बात करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो जो भी पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, जो कुछ देख रहे हैं सोशल मीडिया में, बहुत गलत इन्फॉर्मेशन पिक कर रहे हैं। तो एक तरफ हम बच्चों की बात कर रहे हैं, आपका क्या टेक है इस पर पवन सर? क्योंकि मैंने देखा है उनके पास जो खबर आ रही है हाफ बेक्ड आ रही है या गलत आ रही है, और उनको शायद वो ऐसी जनरेशन है जिन्होंने सोशल मीडिया को उतने हम लोग जैसे यूज़ कर रहे हैं उस तरह से यूज़ नहीं करते हैं, और उन तक फिर मिस इन्फॉर्मेशन पहुँचने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। प्रियंका, दो तरह की चिंताएं सोशल मीडिया के यूसेज को लेकर है। एक तो ये कि आप उस पर कितना टाइम देते हैं, दूसरा कि किस तरह का कंटेंट देखते हैं। जो कंटेंट देखा जा रहा है उसमें आपको हर कोई ये पुश कर रहा है कि साहब ये ओरिजिनल कंटेंट है। कंटेंट क्या है तो वो आपको लगेगा कि ये मतलब उसको भारत सरकार के तमाम जो मेजरमेंट है, तमाम जो पैरामीटर्स हैं उसके आधार पर आप उसको अश्लील की कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन वो आज की तारीख में सोशल मीडिया का कंटेंट है। सोशल मीडिया के में जो अब्यूज जो चल रहा है सोशल मीडिया पे, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि आप उन बच्चों के मुंह से ऐसी ऐसी बातें सुनेंगे जो समाज में आमतौर पर लोग नहीं बोलते हैं। तो ये कहां से वो सीख रहे हैं? सोशल मीडिया से सीख रहे हैं। दूसरा जो एक चिंता का विषय वो ये है कि कितना टाइम आप सोशल मीडिया पे दे रहे हैं। अभी हम लोग पिछली बार मैं और विपुल इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि इस देश में आईएम रोहतक ने एक स्टडी की और एक पूरा 40,000 लोगों का एक सर्वे किया है, उतना सैंपल साइज 40,000 लोगों का है। मतलब आप समझिए कि साल के 106 दिन, 365 दिन में से 106 दिन हम लोग टेलीफोन पे देते हैं। टेलीफोन से मेरा मतलब हुआ कायदे से स्मार्टफोन पे। तो जो समाज 106 दिन, 365 दिन में से मोबाइल पे दे रहा हो, अपने मोबाइल सेट पे दे रहा हो, फोन पे दे रहा हो, तो उसके पास काम करने के लिए कितने दिन बचते होंगे आप ये समझ सकते हैं। तो ये दोनों जो चिंताएं हैं, कंटेंट का क्वालिटी प्लस जितना आप टाइम दे रहे हैं टेलीफोन पे, वो दोनों इंपॉर्टेंट है किसी भी समाज के लिए। तो मेरे ख्याल से हम और ज्यादा डिसएडवांटेजियस पोजिशन में है। बिल्कुल, काउंटर प्रोडक्टिव बहुत हो रहा है, माइंडलेस स्क्रोलिंग जो चल रही है। ऑस्ट्रेलिया तो कदम उठा रहा है और पवन सर कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल भारत को भी कुछ ऐसा कदम उठाना ही पड़ेगा। अगली खबर, रिसर्च और रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अदानी ग्रुप की 7 कंपनियों के आउटलुक में बदलाव किया है। आउटलुक को स्टेबल से घटाकर नेगेटिव कर दिया है। हालांकि रेटिंग में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। मूडीज ने अदानी ग्रुप की कंपनियों के आउटलुक को ऐसे समय पर नेगेटिव किया है जब ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी और उनके भतीजे पर रिश्वत देने का आरोप लगा है और उसको लेकर अमेरिका में केस भी दर्ज हुआ है। हालांकि मूडीज की तरफ से रेटिंग कटौती के बावजूद बुधवार को शेयर बाजार में अदानी ग्रुप की अधिकतर कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। पवन जी, मूडीज की तरफ से आउटलुक घटाए जाने के बावजूद अदानी के शेयर बाजार में आज बढ़त लेते हुए दिखे। प्रियंका, आप भी समझते हैं और शेयर बाजार का कोई भी जानकार आके अगर ऐसी बात करे, चाहे जिम रोजर्स हमसे आके बात करे या जॉर्ज सरोस कोई भी आके बात करे, तो देखा ये जाता है कि कई बार ना जो खबरें चल रही होती है वो मार्केट का फंडामेंटल्स और बाजार उसको बिल्कुल निगेट करके दिखा देता है।
आज के अडानी के शेयर्स को मैंने मैंने उसका फॉलोअप नहीं किया, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो मार्केट के ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश प्रोटोकॉल्स हैं, जो एस्टेब्लिश नॉर्म्स हैं, मेरे ख्याल से उसी के इर्द गिर्द मार्केट ने रिएक्ट किया होगा। अब आप देखिए कि इससे लॉन्ग टर्म में कंपनी का नुकसान क्या होगा, कि कंपनी के आउटलुक जब नेगेटिव होते हैं तो सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है कि आपके लिए फंडिंग मुश्किल होगी। कल को आप दुनिया के बाजारों में जब ये ढूंढने जाएंगे कि आपकी कंपनी को कोई फंड करे, तो वो फंडिंग बड़ी मुश्किल से मिलेगी, और मिलेगी तो उसका बोरोइंग बहुत ज्यादा होगा। बोरोइंग ज्यादा होगा से मेरा मतलब हुआ कि जिस रेट पे पैसा उठाना चाहते हैं आप, उस वो रेट जो आम तौर पर उस सेक्टर के उस कैटेगरी कंपनी को हासिल होता है, फर्ज करिए कि कोई 5.5% पे आप कॉस्ट पे आप उठाते हैं लोन, कोई 7.5% पे, तो जो मार्केट रेट है उससे ज्यादा हमेशा आपको देना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आपके कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर रहेंगे। साथ ही साथ इससे ये पता चलता है कि अगर नेगेटिव किया है तो आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस वीक है। किसी भी कंपनी का नेगेटिव आउटलुक है, इसका मतलब कि उस कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस वीक है, लिहाजा उसमें लॉन्ग टर्म रिस्क है इन्वेस्टमेंट के। ये पूरी दुनिया की कंपनी, चाहे शॉर्ट टर्म चाहे स्मॉल कंपनी हो चाहे बिग कंपनी, जो इन्वेस्टमेंट से पहले जो पैरामीटर्स फॉलो किया जाता है और जो प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, उसमें से ये सारे डिटरमिनेंट्स देखे जाते हैं जो मैंने अभी आपको कहा। तो अडानी के केस में भी जैसे कल को नया कैपिटल इनको नया कैपिटल उगाना है, नया कैपिटल जुटाने हैं, उस सूरत में इनको दिक्कत आएगी। हो सकता है कि नियर टर्म में अभी नहीं आए, पर अल्टीमेटली देखिए फिच और जो दूसरी रेटिंग एजेंसी है उसने अलग अलग कैटेगरी की कंपनी को नेगेटिव में डाला है। अब उस कंपनी का फाइनेंशियल्स पे गौर करिएगा, उस कंपनी के ओवरऑल ऑरा पे गौर करिएगा, आपको पता चलेगा उसका क्या रिजल्ट हुआ। और लिहाजा इसमें जब नेगेटिव जब मूडीज ने किया है तो इसका भी फर्क अडानी पे पड़ेगा, अभी नहीं तो कम से कम छह महीने बाद में, शायद 3 क्वार्टर के बाद, और ज्यादा लॉन्ग टर्म पे और ज्यादा फर्क पड़ेगा। चलिए, तो एक फेस लॉस, एक सेंटिमेंटल असर तो पड़ ही रहा है, और इसके जो है डिस्ट्रेसिंग सिग्नल इस कंपनी के लिए आगे आने वाले दिनों में हम और देखेंगे। मिडल ईस्ट में पिछले साल अक्टूबर से शुरू हुई जंग के ख़त्म होने की उम्मीद बढ़ने लगी है। इसराइल का आतंकी संगठन हिजबुल्ला के साथ सीज फायर हो गया है। हिजबुल्ला क्योंकि फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास का सहयोगी है, ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि हमास के साथ भी इसराइल का सीज फायर हो सकता है। हालांकि हमास के साथ युद्ध खत्म करने पर इसराइल ने कोई आधिकारिक बयान अभी नहीं दिया है। अक्टूबर 2023 में हमास के आतंकवादियों ने इसराइल में घुसकर 1200 से ज़्यादा लोगों को मार दिया था और कईयों को बंधक बनाकर रखा हुआ था। इसके बाद हिजबुल्ला ने की भी इसराइल पर रॉकेट हमले भी किए थे, और हिजबुल्ला को यमन के हूती विद्रोहियों का करीबी भी माना जाता है, और हूती विद्रोहियों के डर से लाल सागर के रास्ते भारत सहित दुनिया भर का विदेश व्यापार प्रभावित हो रहा है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में अगर शांति लौटती है तो लाल सागर के रास्ते विदेश व्यापार को फिर से बढ़ावा मिल सकता है। तो रेड सी के रास्ते ट्रेड बेहतर होने की उम्मीद अब बढ़ रही है इस डेवलपमेंट से, पवन सर? प्रियंका, बहुत राहत की बात है पूरी दुनिया के ट्रेड के लिए, खासकर हिंदुस्तान के लिए। आज देखा आपने कि जो तेल के बाजारों में एक लंबी सांस ली राहत की, वो सब जगह दिखा। उसके बाद अभी आप देख रहे हैं कि इसका फर्क पड़ेगा जब अभी रविवार को ओपेक प्लस की जब मीटिंग होगी उसमें, कि क्या अगर जो आगे आउटपुट बढ़ाना है उसमें कितनी देरी की जा सकती है। तो अल्टीमेटली आपको तेल के दामों पे इस सीज फायर का असर आपको आने वाले टाइम में दिखेगा। अब आ जाते हैं कि ज्योग्राफिकली कहाँ कहाँ भारत के ट्रेड में ज्योग्राफिकली कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही थी। अब रेड सी की हम लोग बात करते हैं, रेड सी से ट्रेड इतना महंगा हो गया था हमारे लिए, कोई भी जो चीज जो सामान जो हम लोग रेड सी के रास्ते पहले आता था, और जो इस कॉन्फ्लिक्ट के होने के बाद वो उसको लंबे रास्ते से ले आना पड़ा, उसमें कम से कम कुछ नहीं तो 20-25% आपको हमारा कॉस्ट बढ़ गया। इसके अलावा जो फर्टिलाइजर के अलावा जो बाकी डेरिवेटिव्स हैं जिसको हम लोग मिडल ईस्ट के अलग अलग कंट्रीज से लाते हैं, वो उसके उसके दाम बढ़ गए। आप जैसे डीएपी में जो डेरिवेटिव हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो एलिमेंट्स इस्तेमाल करते हैं,
उसके रेट बढ़ गए, प्लस जो रेड सी के रास्ते या हॉर्मुज स्ट्रेट से जो जो सामान हमारे पास आता है उसके, जैसे एलएनजी गैस वगैरह की, उसकी कीमतों में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ओवरऑल आप देखेंगे तो इस कॉन्फ्लिक्ट, इस सीज फायर से, जो कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई 60 दिन में अगर इसराइल की सेना अपने अपने बैरक में वहां से वापस लौटती है तो उसके बाद फिर से एस्केलेट कर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन अगर ये है तो इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, खासकर जो ट्रेड के उस आइटम्स में जहां पे प्राइसेस ऑलरेडी एस्केलेट किए हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया तेल और गैस से संबंधित, उसके अलावा हमारे लिए खासकर जो फर्टिलाइजर से मुतल्लिक, जो फर्टिलाइजर के और डेरिवेटिव्स हैं, और उसके साथ साथ उन ट्रेड में जो कि जो है तो वॉल्यूम में कम लेकिन जिनका 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 वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो इन सब का हम बहुत डायरेक्ट बेनिफिशियरी हिंदुस्तान होगा आने वाले टाइम में। चलिए अगली खबर लेकर आते हैं। देश के एफएमसीजी सेक्टर में पकड़ मजबूत करने के लिए रिलायंस रिटेल की एफएमसीजी कंपनी रिलायंस कंज्यूमर की तरफ से इस सेक्टर की दिग्गज कंपनियों यानी एचयूएल, नेस्ले और पार्ले जैसी कंपनियों को कड़ी टक्कर दी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एचयूएल और नेस्ले जैसी कंपनियां अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और बिजनेस पार्टनर्स को जितना मार्जिन देती है उनके मुकाबले रिलायंस कंज्यूमर की तरफ से दुगना मार्जिन दिया जा रहा है। सामान्य तौर पर एफएमसीजी सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूटर्स और बिजनेस पार्टनर्स को 3-5% मार्जिन दिया जाता है, लेकिन रिपोर्ट्स में कहा गया कि रिलायंस कंज्यूमर 6-8% मार्जिन उपलब्ध करा रही है। रिलायंस के इस कदम से एफएमसीजी कारोबार में उथल पुथल मचने की आशंका है। तो पवन जी, टेलीकॉम में भी हमने देखा रिलायंस ने जब एंट्री लिया था तो ऐसे ही उसने सेक्टर के डायनामिक्स को बदले थे और एक बार फिर से एक एग्रेसिव इस तरह से इंक्रीज्ड मार्जिन का एक रास्ता ये अपना रहे हैं, तो फिर से तैयारी कुछ वैसी ही लग रही है। प्रियंका, जो रिलायंस रिटेल, ये बात उस दिन शायद साफ हो गई थी जब इस लास्ट फिस्कल ईयर के सेल्स के रिजल्ट आए, जो रिलायंस रिटेल के बारे में कि उसका पूरा सेल्स का फिगर था 3 लाख करोड़ में केवल रिलायंस रिटेल, और 3 लाख करोड़ में बाकी कंपनियां जो टॉप 7 कंज्यूमर कंपनियां हैं जिसमें ITC है, हिंदुस्तान लीवर है, नेस्ले है, ब्रिटेनिया है, टाटा, गोदरेज कंज्यूमर, ये सब मिला के उन सब की सेल 3 लाख नहीं हो पाई जितनी की 3 लाख सेल हो गई 3 लाख करोड़ की रिलायंस की। तो रिलायंस ने आधे से ज्यादा मार्केट पे कब्जा किया हुआ है कायदे से। ये देखिएगा, ये फिगर आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, व्यूअर्स को समझ में आए कि रिलायंस रिटेल का साइज क्या हो गया। रिलायंस रिटेल की एक और स्ट्रेटजी देखी होगी आपने कि उसने हमेशा Tier 2 और Tier 3 सिटीज से बढ़ोतरी करके, और अब जब आप देख रहे हैं बड़े बड़े शहरों में रिलायंस रिटेल की धमक हुई है। आप समझिए कि ये ऐसे कैसे हो गई, ये कई एक्विजिशन से हुआ, साथ ही साथ एग्रेसिव मार्केटिंग से हुआ। एग्रेसिव मार्केटिंग में दो तरह के एलिमेंट काम कर रहे हैं, एक तो ये कि रिलायंस रिटेल कंज्यूमर जो जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उसको मार्जिन दे रहे हैं, बाकी कंपनियां देती हैं 3-5%, रिलायंस उनको देती है 5-7%, 5-8% कई केसेस में। साथ ही साथ जो प्रोडक्ट आप देखते हैं, आप किसी भी इवन कोई ऐसे मॉल में चले जाइए, ऐसी जगह पे चले जाइए जहां पे जो रिलायंस के प्रोडक्ट हैं वो आपको 30-40% कभी कभी किसी किसी केसेस में उतने सस्ते आपको मिलेंगे। एक किसी अमुक कंपनी का प्रोडक्ट आपको 100 रुपए में मिल रहा है तो रिलायंस का प्रोडक्ट आपको 60 रुपए में या 70 रुपए में आपको हासिल हो सकता है। तो इतनी अग्रेसिव मार्केटिंग है, मुझे आश्चर्य तब होगा जब ये बाकी जो कंपनियां हैं ये इसको मैच कराने के लिए इनके पास क्या स्ट्रेटजी होती है। साथ ही साथ देखना ही पड़ेगा कि इस साल के जब मार्च आते आते सेल्स फिगर इन बाकी कंपनियों का, जिसमें नेस्ले है, HUL है, चाहे किसी भी प्रोडक्ट की बात कर लीजिए, कंज्यूमर प्रोडक्ट अलग अलग हो सकते हैं। अब जैसे मच्छर मारने वाली दवा है, कोई रैकेट बिन पिज़्ज़ा बनाती है, रिलायंस जिसके ब्रांड के तहत बेचता है वो, उसके प्राइस आपको उससे सस्ता मिलेगा। हमें आश्चर्य इस बात का होगा कि इसकी स्ट्रेटजी कैसे बनती है और इसको कॉम्बैट कैसे किया जाता है। और ध्यान ये रखना पड़ेगा इस साल के अंत तक सेल्स फिगर क्या होता है कि रिलायंस का और बाकी 5-6 जो कंपनियां हैं उसका, अगर उसको कंबाइन टुगेदर कर देंगे तो सेल्स फिगर क्या रहता है। अब आप देखें मार्केट में बिल्कुल इसको टोटल डिसरप्शन कहा जा सकता है, मतलब समझ में नहीं आ रहा बाकी कंपनीज को कि इसको इससे कैसे जूझा जाए, इसको कैसे रोका जाए। कल को दरअसल उनकी दिक्कत यह है कि वो ये चाहते हैं कि
कि सरकार कहीं से इंटरवीन करे, कि सरकार फिलहाल इसमें इंटरवीन नहीं कर सकती क्योंकि ये अभी उस कैटेगरी में शायद नहीं गया जहां पे रिलायंस के ऊपर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का आरोप लग सके। तो जब तक नहीं रहा है तब तक कोई सरकारी इंटरवेंशन नहीं हो सकता। ऐसे में इन लोगों की स्ट्रेटजी कैसे काम करेगी ये देखने वाली बात होगी। और इस साल के अंत तक आप देखिएगा सेल्स फिगर कहां जाता है, इनके पास करने के लिए बहुत कुछ है। तो असली टेस्ट वही होगा सेल्स फिगर कहां तक जाता है, क्योंकि ये डोमिनेंट प्लेयर तो अभी है नहीं, डोमिनेंट प्लेयर तो वही एग्जिस्टिंग है, उनको एक नया प्लेयर चुनौती दे रहा है और डिसरप्टिव थॉट के साथ, डिसरप्टिव मार्केटिंग के साथ उनको एक अच्छे खासा चैलेंज अब यहां पर मिल रहा है। तो उथल पुथल तो मचेगी FMCG के कारोबार में भी। रिजर्व बैंक ने मंगलवार को बैंकों के डिपॉजिट को लेकर अपनी तिमाही रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि सितंबर के क्वार्टर के दौरान बैंकों के कुल डिपॉजिट में 7% या इससे महंगे ब्याज वाले डिपॉजिट की हिस्सेदारी बढ़कर 68.8% हो गई है। पिछले साल सितंबर तिमाही में यह हिस्सेदारी 54% और 2023 की मार्च तिमाही में करीब 33% हुआ करती थी। बढ़ती क्रेडिट मांग की वजह से बैंकों को ज्यादा ब्याज देकर डिपॉजिट लेना पड़ रहा है, जिस वजह से उनके कुल डिपॉजिट में महंगे ब्याज वाले डिपॉजिट की हिस्सेदारी बढ़ी है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सितंबर तिमाही के दौरान बैंकों के पास आए कुल डिपॉजिट में 66.50% पैसा मेट्रो शहरों की शाखाओं से आया, और इससे पता चलता है कि मेट्रो शहरों में बैंक FD के चलन में बढ़ोतरी हुई है। क्या बैंकों का ये महंगा डिपॉजिट कर सस्ता नहीं होने देगा लग रहा है पवन जी? प्रियंका, नियर टर्म में जो क्रेडिट ग्रोथ हम देख रहे हैं, क्रेडिट ग्रोथ ऐसा है तो उसको देखना पड़ेगा कि इस साल के अंत तक मतलब 2024-25 में क्रेडिट ग्रोथ भारत में बैंकों का कैसा क्रेडिट ग्रोथ रहता है। साथ ही साथ ये कहा जा सकता है कि जब फिक्स डिपॉजिट रेट ये बेतहाशा जो बढ़ोतरी आप देख रहे हैं, ये बढ़ोतरी अगर कायम रहती है तो बैंकों का क्रेडिट ग्रोथ कैसा रहता है वो स्ट्रेस में रहेगा, मैं ऐसा समझता हूँ। और साथ ही साथ जो क्रेडिट ग्रोथ आगे मान लीजिए कि रेट में छेड़छाड़ की संभावना है बहुत अभी बाकी हैं, अभी आप रेट कट की बात कर रहे हैं, उन सब के बावजूद ये समझा जाएगा कि जो बैंक फिक्स डिपॉजिट खासकर जो लॉन्ग टर्म के लिए जिसका बैंक प्लेज कर चुके हैं उसमें बैंक को ऊंचे रेट पे फिक्स डिपॉजिट पे ब्याज देना पड़ेगा। तो ऐसे में सस्ते कर्ज की संभावना नियर टर्म में बैंक से थोड़ी खत्म सी होती जाएगी। तो इसका फर्क ये पड़ेगा कि जब रेट बाद में जाके भी मान लीजिए अगर थोड़ा करेक्शन उसमें होता है तो, क्योंकि जिन कुछ बैंकों के लिए जब आप एवरेज आउट करेंगे तो उनको जिस ऊंचे ब्याज पे उन्होंने फिक्स डिपॉजिट लिया हुआ है वो उनको पे करना पड़ेगा। तो इसका परिणाम ये होगा कि आप देखिएगा आने वाले टाइम में जो खासकर जो जो क्रेडिट ग्रोथ है उस पर इसका दबाव बना रहेगा और साथ ही साथ जो क्रेडिट रेट है उस पर इसका फर्क पड़ेगा। कुल मिला के आगे ब्याज दर में कमी की संभावनाएं बनी रहेंगी, बैंकों में उस पर मेरे ख्याल से कंपटीशन बढ़ेगा। तो सस्ता बेशक हो सकता है लेकिन तब भी जो बैंकों के फाइनेंशियल से उसका प्रेशर रहेगा। ऑलराइट, चलिए अगली खबर लेकर आते हैं। संसद के चालू सत्र के दौरान बीमा सुधार विधेयक पेश होने की संभावना जताई जा रही है। बीमा सुधार विधेयक अगर कानून बनता है तो देश के बीमा सेक्टर में कई बड़े सुधार हो सकते हैं। विधेयक में बीमा सेक्टर में 100% FDI खोलने का प्रस्ताव है। सरकार ने 2047 तक देश के हर नागरिक तक बीमा पहुँचाने का लक्ष्य यानी कि इंश्योरेंस फॉर ऑल जो है इसे भी सुनिश्चित करना है, और उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बीमा के कानून में बदलाव की तैयारी है जिसके लिए संसद में विधेयक पेश किया जा सकता है। ये कानून जो है इसका इंतजार हो रहा है क्योंकि इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन को लेकर के बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं, और 2047 में एक टॉल ऑर्डर सरकार ने खुद से अपने लिए फिक्स किया है कि भाई इंश्योरेंस फॉर ऑल। तो इस कानून की जरूरत कितनी है और ये बीमा सेक्टर में क्या बदलेगा? देखिए, बीमा में प्रियंका बहुत आहिस्ता आहिस्ता सुधार हुआ है। अब ये माना जा रहा है कि मतलब इसके ओपनिंग अप के बाद जब 25 साल हो गए तो जो बीमा सेक्टर है वो काफी स्टेबलाइज कर चुका है। तो अब वो समय आ गया है जब बीमा में कम से कम ऐसा समय आ गया जब बीमा में कम 100% FDI अलाउ किया जाए। ये आपको याद होगा पहले 49% था, उसके बाद 74% हुआ, अब जाके सरकार ये समझती है कि ये स्टेबलाइज हो चुका है, स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो
तो ऐसे में 100% FDI से जो डोमेस्टिक सेक्टर है, डोमेस्टिक सेक्टर की कंपनियां, उसको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इसलिए सबसे पहली शर्त यह है कि इसको 100% किया जाए और दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स को हिंदुस्तान में आने का मौका मिलेगा, जो जिनके पास ज्यादा फाइनेंशियल मसल है, खासकर तब जब हमें हिंदुस्तान को 2047 के लिए इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 को पूरा करना है। 2022 में इस देश में पेनिट्रेशन रेट 4.2% था इंश्योरेंस के सेक्टर में, जो घट के 2023 में 4% हो गया। तो सरकार ये समझती है कि जब तक बड़े प्लेयर को नहीं बुलाया जाएगा, साथ ही साथ बड़े प्लेयर के साथ जो बाकी जो रिस्ट्रिक्शंस थे, फर्ज करिए कि क्रॉस एंट्री ऑपरेटर्स के लिए नहीं था, जैसे जो जनरल इंश्योरेंस में है वो हेल्थ में नहीं आ सकता, जो हेल्थ में है वो लाइफ में नहीं आ सकता, अब सारी कंपनियों के पास ये ऑप्शन होगा कि वो एक सेक्टर में ऑपरेट कर रही है तो दूसरे सेक्टर में भी उनके आने की आजादी रहेगी। साथ ही साथ जो इंश्योरेंस कंपनी है वो बाकी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं आने वाले टाइम में, जो अभी तक लाइसेंस के मुताबिक अभी तक उनको अलाउ नहीं है। जो पहले था कि मिनिमम 100 करोड़ के आसपास जब आपके पास कैपिटल होगा तो आप बीमा में एंट्री ले सकते हैं, उसको अब घटाया जा सकता है और ये कोशिश की जा सकती है कि हर तरह की कंपनी को वेलकम किया जाए, ताकि ग्राहकों के पास हर तरह के ऑप्शंस हों, हर तरह के ऑप्शंस को वो वे कर सके, हर तरह के विकल्प उनके पास हों। तो इस बिल के बाद एंट्री लेवल पे काफी सारी कंपनियां आएंगी। सबसे पहला फायदा तो ये होगा, दूसरा फायदा ये होगा कि पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, तो मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा फायदा कस्टमर्स के लिए होगा कि शायद इंश्योरेंस पॉलिसी में की जो का जो प्राइस है उसमें एवरेज करेक्शन हो सकता है, ये सबसे बड़ा फायदा होगा। ज्यादा प्लेयर्स होंगे, ज्यादा ऑप्शन होंगे, कंपटीशन बढ़ेगा और ज्यादा ग्राहक जोड़ने के लिए आपके लिए बीमा सस्ता हो सकता है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं महंगाई के मार में हर साल आप जब अपना बीमा का प्रीमियम भरने जा रहे हैं तो वहां एक इजाफा हो जा रहा है, तो वो भी कंट्रोल होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, FDI अलाउ होगा तो कुछ आप इंटरनेशनल प्लेयर्स भी भारत के बाजार में देखेंगे, बीमा के बाजार में। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत की तैयारी शुरू हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच बातचीत से पहले भारत ने यूरोपियन यूनियन से मांग रखी है कि भविष्य में कार्बन टैक्स जैसे नॉन ट्रेड टैरिफ ना लगाए जाएं। एक अन्य रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि कार्बन टैक्स के मुद्दे पर तो भारत को यूरोपियन यूनियन से किसी तरह की राहत की संभावना नहीं है, लेकिन दूसरे कई मुद्दों पर भारत को राहत मिल सकती है। दोनों पक्षों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर जून 2022 से बातचीत शुरू हुई थी और अब तक नौ दौर की बातचीत जो है वो हो चुकी है। लगातार इस खबर पर पवन सर आपसे हम बात करते रहे, यूरोपियन यूनियन के साथ अब जो है भारत के फिर से वही फ्री ट्रेड को, मुझे लग रहा है इस हफ्ते हर दिन हमने कोई ना कोई खबर इस पर बात की है। अब आपको क्या लग रहा है, समझौते की गुंजाइश कितनी है? कार्बन टैक्स प्रियंका एक मतलब आप यूं समझ लीजिए वो एक ऐसा विषय है जिसपे हम ज्यादा बात नहीं कर सकते, हम ज्यादा इसलिए बात कर सकते कि हमारे ऊपर ये आरोप लगता है कि साहब आप एक हिंदुस्तान एक मुद्दे को लेकर बैठ गया और बाकी सब जो टैरिफ से रिलेटेड और सारे इश्यूज हैं वो साइड लाइन में चले गए। देखिए बात सिर्फ इतनी है कि जब कार्बन टैक्स की बात का यूरोप यूनियन बात करता है तो भारत की चिंता सिर्फ इस बात की है कि हम टैरिफ पे बात कर रहे हैं, आप कार्बन टैक्स पे बात कर रहे हैं, जब तक क्योंकि भारत का मानना है कि जो कार्बन टैक्स है वो टैरिफ कम है, वो बेसिकली नॉन टैरिफ मेजर ज्यादा है, वो नॉन टैरिफ बैरियर ज्यादा है। तो भारत का ये कहना है कि जब आपकी नियत ही नॉन टैरिफ बैरियर लगाने की है तो कार्बन टैक्स तो हमें मार्केट एक्सेस अगर कल को यूरोपियन यूनियन दे भी देता है तो उसका भारत को क्या लाभ होने वाला है। और जो आपने कार्बन टैक्स के इशू पे जो स्टैंड लिया है आपने या जो इसका कैनवास तैयार किया है इसको दूसरी जगह आप रेप्लीकेट नहीं करेंगे, इस बात का क्या एश्योरेंस है, इस बात की क्या गारंटी है? देखिए अभी लास्ट वीक में हमारे यहाँ से हमारे वाणिज्य सचिव जाके ब्रसल्स में बात करके आए हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि जो यूरोपियन यूनियन से जो टैरिफ इशू पे बात चल रही है और जो फ्री ट्रेड FTA पे बात चल रही है, मुझे लगता है कि अभी उसमें टाइम और ज्यादा लगेगा क्योंकि काफी सारे इश्यूज हैं जो नॉन टैरिफ बैरियर की कैटेगरी में आते हैं तो उसको थ्रेट आउट करने की जरूरत है। और मुझे आप देखिए दोनों टॉक पैरेलल चल रहे हैं, UK से भी FTA पे टॉक पैरेलल चल रहा है, यूरोपियन यूनियन से भी पहले चल रहा है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि UK से पहले बात बन जाए
और यूरोपियन यूनियन से बहुत एडवांस स्टेज में एफटीए टॉक होते हुए भी उसमें थोड़ा विलंब हो जाए, क्योंकि एफटीए जो यूरोपियन यूनियन की हम बात करते हैं उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज अभी भी पड़े हुए हैं जिसमें टाइम लगेगा। ऑलराइट, चलिए तो इस खबर पर तो हम नज़र बनाए रखेंगे ही और इस पे डेवलपमेंट्स पर हम बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच पवन सर, आपने वक्त निकाला, आज के शो को यहीं वाइंड अप करते हैं। सो पवन सर जुड़े हुए थे, सारी खबरों को हम समझने की कोशिश कर रहे थे। आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगती है, आप क्या और सुनना चाहते हैं, किन खबरों में आपको रुचि लगती है, ज़रूर बताइए। और आज इतना ही, इस शो को यहीं वाइंड अप करते हैं। शुक्रिया हमारे शो को देखने के लिए। मनी 9 के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।